बेटा आ जाइए, हो जाइए तैयार बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ अगला स्टेप बढ़ाने के लिए। आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अलग अलग चैप्टर से, वो मैं लगातार आपको बताता रहूंगा। जिनका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है उनको मैं यहाँ करवाता रहूंगा। बाकी आप अपनी प्रायोरिटी पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं कि सर आप पहले इसका वीडियो बना दीजिए, तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा शुरू में दिए हुए नंबर पर और मैं आपको वीडियो बना करके भेज दूंगा। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पावर कंज्यूम्ड इन एलसीआर सर्किट। लेकिन उस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको मेरे बेटा रिकॉल करनी बहुत जरूरी है। यदि वो रिकॉल रहेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैं मेरा इक्वेशन बता रहा हूं आर सर्किट, इन सब का प्रूफ जो मैं अभी बता रहा हूं, इन सब का प्रूफ अल्टरनेटिंग करंट के पार्ट टू में हुआ हुआ है। आप मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट्स पार्ट वन और पार्ट टू देख लीजिए। उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा जो मैं बेसिक बता रहा हूं वो कहां से आए। मेरे बेटा आर सर्किट में जब हम ईएमएफ लगाते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट पैदा होती है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पैदा होती है। ओमेगा टी कहलाता है फेज, करंट का भी फेज वही, ईएमएफ का भी वही, तो फेज डिफरेंस जीरो हो गया। फेज डिफरेंस हमेशा ईएमएफ के फेज में से करंट के फेज को माइनस करके निकाला जाता है। दूसरा, क्वायल के केस में जिसे एल सर्किट कहा जाता है, उसमें यदि आप ईएमएफ लगाते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो उसके अंदर करंट पैदा हो जाती है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी कि बेटा ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो फेज डिफरेंस क्या है? तो फेज डिफरेंस मैं बार बार बोल रहा हूं, ईएमएफ के फेज में से करंट के फेज को माइनस करके निकाला जाएगा, यानी कि वो पाई बाई टू आएगा। खुद बताओ, ओमेगा टी में से ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू को सब्ट्रैक्ट कर दे तो पाई बाई टू तो आएगा। तीसरा फॉर्मूला, सी सर्किट यानी जहां पर सिर्फ कैपेसिटर हो, कैपेसिटर में यदि आप ईएमएफ अप्लाई करते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट डेवलप हो जाती है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। कहने का मतलब ये कि बेटा करंट ईएमएफ से लीड करती है पाई बाय टू से, और फेज डिफरेंस आ जाएगा माइनस पाई बाय टू, क्योंकि मैं ईएमएफ के फेज में से करंट का फेज माइनस करूंगा और करंट का फेज है ज्यादा, तो माइनस कम में से ज्यादा माइनस करूंगा तो नेगेटिव ही एक्सपेक्ट करूंगा ना। जिनकी जरूरत भी पड़ सकती है वो सब मैं आपको बता रहा हूं, ताकि डेरिवेशन बीच में ना रुके एक बार शुरू हो गया तो। चौथा पॉइंट मेरे बेटा इंटीग्रल, पहले ओमेगा सुन लो। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई बाई कैपिटल टी, जहां कैपिटल टी क्या है, हमारे घर की करंट कभी बढ़ती है फिर कम होती है, इसे कहते हैं एक साइकिल, और एक साइकिल में जो टाइम लगता है वो जीरो से टी होता है। पॉइंट नंबर फाइव, ये तो आप जानते हैं कि बेटा पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बेटा? एनर्जी का फॉर्मूला है वीआईटी। डीसी के केस में एनर्जी का फॉर्मूला है वीआईटी। वी है वोल्टेज यानी कि ईएमएफ, इस चैप्टर में कह रहा हूं मैं, आई है करंट और टी है टाइम। लेकिन मेरे बेटा ये फॉर्मूला डीसी के लिए है, एसी के लिए नहीं है। एसी में वेरिएशन होता है और जहां वेरिएशन वहां इंटीग्रेशन होता है, तो फॉर्मूला है इंटीग्रल वी आई टी की। और क्योंकि इस चैप्टर में हम वोल्टेज की जगह ईएमएफ का यूज कर रहे हैं तो ई आई टी की, तो एनर्जी स्टोर जब भी निकालनी होगी ई आई टी की। ठीक बेटा, तो पावर है एनर्जी अपॉन टाइम, एवरेज पावर, और एनर्जी का फॉर्मूला है इंटीग्रल ई आई टी की। छठा पॉइंट बेटा, इंटीग्रल कहीं पर आ जाए जैसा कि आएगा साइन टू ओमेगा टी डी टी लिमिट जीरो से टी तक, तो हमेशा जीरो आएगा। क्यों आएगा जरा बताओ, साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू ओमेगा, क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन बेसिक तो आप जानते ही होंगे, नहीं तो मेरी वीडियो बनी हुई है उसे देख लीजिए डिफरेंशियल इंटीग्रल की प्ले लिस्ट खोल के। जब आप साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रल करते हो तो टी का कोएफिशिएंट यानी कि टू ओमेगा डिवाइड हो जाता है। अब मैं लिमिट रखूंगा जीरो से कैपिटल टी, नीचे टू ओमेगा को छोड़ दो, उसे मत देखो, ध्यान मत दो, ऊपर बनेगा कॉस टू ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस जीरो। भाई एक बार टी को कैपिटल टी रख दिया, एक बार टी को जीरो रख दिया,
एक बार कैपिटल टी रख दिया, एक बार जीरो। अब ओवरऑल लिखा, यदि ओमेगा को मैं 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख दूं, अब आप हिसाब लगाओ, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी कट जाएगा, कैपिटल टी से कैपिटल टी कट जाएगा, बचेगा 2 इंटू 2 पाई यानी कि 4 पाई, तो मुझ पर क्या बचेगा, तो जवाब है माइनस, ब्रैकेट में बचेगा कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। समझ गए, साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। याद रखिएगा टी को कैपिटल टी रखा, ओमेगा को 2 पाई बाई कैपिटल टी रखा, तो 2 इंटू 2 पाई हो गया 4 पाई, और कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, तो कॉस 0 भी 1 होता है, कॉस 4 पाई भी 1 होता है, कॉस 0 है 1, कॉस पाई है माइनस 1, कॉस 2 पाई है 1, कॉस 3 पाई है माइनस 1, कॉस 4 पाई है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया, और 1 माइनस 1 का मतलब 0। याद रखना डेरिवेशन के बीच में मैं जब इसका इंटीग्रल करूंगा तो इसके इंटीग्रल को सीधे 0 लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दिया है कि ये कैसे हुआ है। एक बड़ा सातवां पॉइंट, मुझे कॉस 2 ओमेगा टी का भी इंटीग्रल करना पड़ेगा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो बिना कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा टी का कोएफिशिएंट फिर डिवाइड हो गया। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखनी है 0 से टी तक, तो ये बनेगा बेटा साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0। एक बार हमने टी को कैपिटल टी रख दिया, एक बार टी को 0 रख दिया। अब फिर वही वाली बात, ओरली कर ओमेगा को यदि 2 पाई बाई कैपिटल टी ले ले, 2 पाई बाई कैपिटल टी ले ले, तो कैपिटल टी कट जाएगा, 2 पाई का डबल 4 पाई, तो क्या बचेगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अब कॉस 4 पाई भी 0 है, तो सॉरी साइन 4 पाई भी 0 है, साइन 0 भी 0, साइन में बेटा सारे 0 होते हैं, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, 4 पाई 0, तो 0 माइनस 0 तो 0 ही आ गया। मुझे नहीं पता, मुझे जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल इस लिमिट में 0 आएगा, कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल भी इस लिमिट में 0 ही आएगा, तो मैं सीधे रख दूंगा। अब मैं एक एक करके पावर के डेरिवेशन शुरू करता हूं। यहां 4 केस बनाए हैं मैंने। केस नंबर 1, सबसे पहले आर सर्किट की पावर, यदि कहीं पर रेजिस्टेंस हो तो पहले बता बेटा पावर से पहले एनर्जी निकालना, तो एनर्जी निकाल लोगे तो पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये बताओ एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, EIdt। बड़ी रैपिड वे में कर रहा हूं क्योंकि आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, इतना समय नहीं है कि तीन तीन वीडियो देखो, एक ही वीडियो में सब समझ लो। इंटीग्रल EIdt, E की वैल्यू रखूंगा बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी, I की वैल्यू रखूंगा बेटा I नॉट साइन ओमेगा टी dt, तो ये बन जाएगा बेटा E नॉट I नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल में बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, ठीक बेटा। अच्छा मैं यहां पॉइंट नंबर 8 और लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, याद रखिएगा मैथ्स का फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट में 0 से t ले रहा हूं, यानी मैं t टाइम की एनर्जी निकाल रहा हूं, एक साइकिल की एनर्जी निकाल रहा हूं, तो e नॉट i नॉट इंटीग्रल साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाता है बेटा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, 2 मैंने पहले ही बाहर ले लिया, कॉन्स्टेंट था ना, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, लिमिट वही 0 से टी तक, तो ये रह गया बेटा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2। इंटीग्रल करोगे तो 1 का इंटीग्रल होगा टी, क्योंकि इंटीग्रल 1 डीटी तो टी, और कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल होगा 0, जो मैंने पहले ही बता दिया है, जब एग्जाम में आएगा तो आप ये भी करके दिखा देना आगे, फिलहाल मैंने 0 लिख दिया कॉस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रल। अब क्योंकि लिमिट 0 से टी रखी गई है तो ये बचेगा बेटा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू टी, ये है एनर्जी। अब एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दे तो पावर आ जाती है, तो पावर क्या है बेटा एनर्जी, एवरेज पावर क्या है एनर्जी अपॉन टाइम, यानी बेटा ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, टाइम उधर चला गया तो ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, 2 की जगह लिख लो रूट 2 और रूट 2, 2 की जगह लिख लो रूट 2 और रूट 2, इससे आंसर आ जाता है बेटा ई आर एम एस आई आर एम एस, क्योंकि बेटा मैंने आर एम एस का डेरिवेशन आप लोगों को करवा रखा है, ई नॉट बाई रूट 2 है ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट 2 है आई आर एम एस, तो पावर एवरेज का फॉर्मूला आ रही है स्क्रीन पे, तो पावर एवरेज का फॉर्मूला है बेटा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, क्या फॉर्मूला बेटा पावर एवरेज का, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस।
रेजिस्टेंस के केस में आर सर्किट में। अब मेरे बेटा आर के बाद केस नंबर टू, केस टू बेटा, केस टू में हम ले रहे हैं सी सर्किट यानी कि कैपेसिटर। एक अकेला कैपेसिटर लगा हो तो मेरे बेटा पहले वही मेरी आदत है एनर्जी निकालूंगा, एनर्जी किससे निकालूंगा, ई आई डी टी से। अब मैंने पहले ही बताया था कैपेसिटर के केस में ई क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तभी मैं कह रहा था कि पुराने सारे केस याद होने चाहिए। और मेरे बालक आई क्या होता है बेटा कैपेसिटर में, आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू डी टी। तो ई नॉट आई नॉट तो बाहर आ गए, इंटीग्रल में क्या और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वही है पूरे एक साइकिल का मैं निकाल रहा हूं जीरो से टी टाइम तक का। तो इंटीग्रल किसका करना है साइन ओमेगा टी और इनटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, लेकिन साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू तो कॉस ओमेगा टी है, लिमिट जीरो से टी। अब आखिरी स्टेप और काम खत्म, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई। तो बाहर तो हो गया बेटा ई नॉट आई नॉट अपॉन टू, इंटीग्रल में रह गया टू साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि साइन टू थीटा, टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी यानी कि साइन टू ओमेगा टी डी टी, लिमिट जीरो से टी तक। तभी मैंने पहले कराया था बेटा कॉस टू ओमेगा टी का इस लिमिट में इंटीग्रल जीरो है और साइन टू ओमेगा टी का भी इंटीग्रल जीरो है, चाहे तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देख लो। ये जीरो है, ये जीरो इनटू एवरीथिंग इज जीरो। तो जब एनर्जी जीरो आ गई तो मैं एवरेज पावर कितनी निकालूंगा, तो पावर होगी बेटा एनर्जी अपॉन टाइम, टाइम आपने जीरो से टी तक का लिया है यानी टी टाइम की एनर्जी है। तो जब एनर्जी जीरो है तो जीरो को टाइम से डिवाइड करके जीरो ही आएगा, तो एवरेज पावर कंज्यूम बाय कैपेसिटर इज जीरो। केस थ्री, केस थ्री है बेटा एल सर्किट। एल सर्किट का मतलब कॉइल, किसी सर्किट में सिर्फ कॉइल लगी हुई है तो क्या होगा। तो मेरे बेटा वही पहला काम है एनर्जी निकालना, एनर्जी का फॉर्मूला बेटा ई आई डी टी, और मैं निकालूंगा एक साइकिल की एनर्जी यानी टी टाइम की एनर्जी। तो टी टाइम की एनर्जी में बेटा ई की जगह तो आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की जगह आ जाएगा बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू डी टी। ये आ गया मेरे पास, तो ये किसके बराबर बना बेटा, ये हो गया ई नॉट आई नॉट तो बाहर चले गए, इंटीग्रल में बचेगा साइन ओमेगा टी एक तो, और दूसरा बचेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू क्या होता है बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी, क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के देख लेना जीरो से टी तक, तो ये हो गया। अच्छा टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर ले लो, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू, टू साइन थीटा कॉस थीटा है साइन टू थीटा, तो टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी है साइन टू ओमेगा टी, और साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रल है जीरो विद इन द गिवन लिमिट्स। तो ये जीरो आ गया, तो फिर एनर्जी जीरो आ गई, और यदि एनर्जी जीरो आ गई तो भैया पावर कंज्यूम क्या होती है, पी का मतलब है पावर, ए बी का मतलब है एवरेज। पावर एवरेज क्या होती है बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम, और जब एनर्जी ही जीरो लिए बैठा बापू तो मेरे बेटा जीरो को टाइम से डिवाइड करोगे तो जीरो ही आएगा। तो याद रखना बेटा हमारी कॉइल भी पावर कंज्यूम नहीं करती, कैपेसिटर भी पावर कंज्यूम नहीं करता, रेजिस्टेंस ही पावर कंज्यूम करता है। अब मैं बेटा बात कर रहा हूं जनरल एलसीआर सर्किट की। तुम्हारे को ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया जो ना प्योर कॉइल है, ना प्योर कैपेसिटर, ना प्योर रजिस्टर। एक एलसीआर सर्किट है जिसमें कई सारे कंपोनेंट है, ईएमएफ का फॉर्मूला है बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट का फॉर्मूला है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो मैं यदि पूछूं फेज डिफरेंस क्या है तो बेटा खुद बताओ, जब इतना आप पढ़ चुके हो, पूरा साल भी लगा चुके हो, ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस फाइव, तो फेज डिफरेंस इसमें ईएमएफ में से करंट का फेज माइनस कर दो फाइव है। ऐसी सिचुएशन में पावर क्या कंज्यूम होगी बेटा, हर केस में हमारे को एक ही काम करना है, पहले एनर्जी निकालनी है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी एक साइकिल में। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा इंटीग्रल ई आई डी टी, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा इंटीग्रल ई आई डी टी, और उसे जीरो से टी टाइम के बीच की एनर्जी निकालूंगा बेटा। और यदि जीरो से टी टाइम के बीच की एनर्जी निकालनी है तो बेटा मैं लिमिट्स रख दूंगा जीरो टू टी। अब ई को रखूंगा बेटा ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट को रखूंगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी। बेटा लास्ट डेरिवेशन चल रहा है, इसे बड़े ध्यान से देखना, इससे आगे मैं उधर राइट मोड पे ले जा रहा हूं, थोड़ा सा फैलेगा डेरिवेशन।
तो एनर्जी क्या है बेटा, एनर्जी क्या है? तो जवाब है एनर्जी है E नॉट I नॉट, तो बाहर आ गए E नॉट I नॉट, बाहर आ गए इंटीग्रल में साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस पाई रह गए। इंटीग्रल में रह गए बेटा एक तो साइन ओमेगा टी और दूसरा रह गया साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी, लिमिट है वही जीरो से टी तक पूरे साइकिल का। तो E नॉट I नॉट इंटीग्रल सिर्फ आप स्टेप्स देखते रहो, फिजिक्स का काम कंप्लीट हो चुका, मैथमेटिक्स चल रही है। एक तो बाहर है साइन ओमेगा टी, अंदर फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी होता है बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। अब मेरे बेटा मैं ब्रैकेट अंदर ही अंदर ओपन कर रहा हूँ, ध्यान रहे अभी इंटीग्रेट नहीं करा दी, तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव ये इससे मल्टीप्लाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है बेटा ये मेरे पास आ गया डी टी। अब मैं इसके और इसके फॉर्मूले लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा जरा बताओ। ई नॉट आई नॉट इंटीग्रल मैंने क्या बताया था साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू कॉस फाइव माइनस। अब मेरे बेटा इसके बाद साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या होगा, ये होगा साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू। भाई एक बात बताइए, मैं टू से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बन जाता है साइन टू ओमेगा टी अपॉन टू, ठीक है बेटा साइन फाइव डी टी। अगले स्टेप की तरफ चले बेटा, तो वो स्टेप है ई नॉट आई नॉट, टू इसमें भी है टू इसमें भी है, बाहर ले लो इंटीग्रल में बचेगा एक तो वन इंटू कॉस फाइव माइनस वन इंटू कॉस फाइव कॉस टू ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन टू ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। अब ऐसी सिचुएशन में मैंने पहले भी सिखाया हुआ है कि सबका अलग अलग इंटीग्रल होगा, तो कैसे इंटीग्रल होगा आप जरा देखिए, लास्ट चल रहा है इसका लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तुम्हें पता है वन का इंटीग्रल होता है टी कॉस फाइव, फाइव तो कॉन्स्टेंट, कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है जीरो क्योंकि लिमिट जीरो से टी है, तो यदि कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रल जीरो ये कॉन्स्टेंट है तो जीरो इंटू एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट जीरो। साइन टू ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है जीरो यदि लिमिट जीरो से टी हो, पहले ही बता दिया, और जीरो इंटू साइन फाइव जीरो, बस ये रह गया मेरे पास। और अब डेरिवेशन भी आखिरी सांस लेता हुआ किसी भी क्षण जुड़कने के लिए तैयार, बिल्कुल आंसर आने वाला है बाहर। एक तो टू को रूट टू और रूट टू लिख देना, टी की जगह टी और टी की जगह जीरो रखोगे तो कैपिटल टी माइनस जीरो होके कैपिटल टी और कॉस फाइव बचा रह जाएगा, यही एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक बेटा ये एलसीआर सर्किट की हमारी एनर्जी है। अब यदि ये एनर्जी है तो टी को लेफ्ट में ले जाओ तो एनर्जी अपॉन टाइम आ गई, और एनर्जी अपॉन टाइम क्या होती है बेटा एवरेज पावर, पी फॉर पावर ए वी फॉर एवरेज, एवरेज पावर तो ई नॉट बाई रूट टू है बेटा ई आर एम एस, आई नॉट बाई रूट टू है आई आर एम एस कॉस फाइव, ये फॉर्मूला है पावर कंज्यूम बाय एनी एलसीआर सर्किट। मुझे यदि कोई भी न्यूमेरिकल दे दे कि एलसीआर सर्किट है बस मुझे फाई बता दो फेज डिफरेंस क्या है मैं पावर निकाल दूंगा। पता है इस फॉर्मूले से आर सर्किट एल सर्किट और सी सर्किट की पावर डायरेक्टली निकल सकती है, उन डेरिवेशन को यदि ना करना चाहो। तुम्हें याद है आर सर्किट में फाई जीरो था, अभी तो मिटाया भी नहीं बेटा, आर सर्किट में फाई जीरो था फेज डिफरेंस, यदि आर सर्किट में फाई जीरो था तो कॉस जीरो वन है, तो पावर का फॉर्मूला एवरेज पावर का फॉर्मूला होना चाहिए बेटा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस है, और देख ले क्या आया था। अच्छा अब तो मिटा दिया होगा, पावर का फॉर्मूला आया था ई आर एम एस, तुम रिवाइंड करके देख लो। और एल सर्किट में क्या था बेटा फाई की वैल्यू थी पाई बाय टू, एल सर्किट में फाई की वैल्यू थी पाई बाय टू, अब यदि 5 पाई बाय 2 था तो बताओ बेटा पावर क्या होगी, तो जवाब है पावर होगी ई आर एम एस आर एम एस कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 तो जीरो है। फिर इसके बाद सी सर्किट में 5 था माइनस पाई बाय 2 बिल्कुल बिगनिंग में देख लेना, और यदि कॉस माइनस पाई बाय 2 रखोगे तो पावर फिर जीरो आएगी। तो यानी ये फॉर्मूला तो एक मास्टर फॉर्मूला हो गया, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप इस वाले से कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना फॉर्मूले को, पावर एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। एक लास्ट बात बोल के खत्म करूंगा मेरे बेटा, यहां पर
इसीलिए कॉस फाइव को पावर फैक्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पावर के फॉर्मूले में वो भी एक फैक्टर है, पावर को इफेक्ट करता है। तो अब कहने का समय आ गया बेटा, बाय बाय मेरे पढ़ाकू। पढ़ाकू किस लिए? एंड तक देखा इसलिए।